आगे से हट दे भाई, रास्ता दे रास्ता। स्वाति साहब क्या कहेंगे, आपने कहा था वापसी पे बात करूंगा। यही जी जी स्वाति साहब, यही हकीकी आजादी है जी सर। आप आगे हो जाए, इमरान खान पे कत्ल का मुकदमा जी जी, उस पे कातिलाना हमला होता है, एफआईआर नहीं होती जी जी। मुझ पे जितना तशद्दुद हुआ है उसकी एफआईआर नहीं होती जी जी। अरशद शरीफ को कत्ल कर दिया जाता है, उस पर एफआईआर नहीं होती जी जी। और मेरे रात की एक तकरीर के ऊपर जो है क्वेटा के अंदर एफआईआर हो रही है, इसलिए हमें जरूरी है कि स्वाति साहब आप, इसलिए हमें जरूरी है कि हकीकी आजादी जो है ये हमारा इंशाल्लाह ताला। वो चाह रहे हैं कि आप छोड़ दें बयानबाजी। स्वाति साहब आप ये ट्वीट्स और बयानबाजी छोड़ेंगे? आराम से गिर जाएं। आजम स्वाति जिंदाबाद। आजम स्वाति जिंदाबाद। आजम स्वाति जिंदाबाद। स्वाति साहब आप बाजवा साहब का नाम छोड़ क्यों नहीं लेते? अब उनको इस जानिब से इतराज है कि नाम बराह रास्त चुके आप लेते हैं। स्वाति साहब इस बार तो कोई टॉर्चर नहीं हो रहा। स्वाति साहब की आजादी क्या है, हकीकी आजादी क्या है? जबानबंदी कब तक करते रहोगे, कब तक जबानबंदियां करते रहोगे? वो बोलेगा 74 साल का बूढ़ा है, वो बोलेगा, निकलेगा, फांसी तो नहीं चढ़ाना ना उसको। आप कुछ कह रहे थे? मैं यही कह रहा हूँ कि 74 साल का बूढ़ा आदमी है और आपके सामने है कि किस तरह की जबान बंदी की जा रही है, उसको बोलने के हकूक भी उससे छीन लिए गए। आपका सर क्या तारुफ है? मैं इमरान खान का मजदूर हूँ। अच्छा, एम एन ए आप कराची से। इमरान साहब आप कुछ कहेंगे जिस तरह से प्रोसीडिंग्स चल जी? आप कैमरे पे आ जाएं, कैमरे पे आ जाएं जी, टॉक करवा लें। साइड में थोड़ा सा, एक बार पीछे हो जाए, पीछे हो जाए भाई।